नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। ललितपुर ग्राम गोना थाना नाराहाट निवासी एक ही परिवार के कुछ लोग आज घंटाघर मैदान में आमरण अनशन पर बैठ गए और एक प्रार्थना पत्र जिला अधिकारी के नाम लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी जमीन गांव के ही कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसका प्रार्थना पत्र हम लोगों ने 19 सितंबर 2020 को जिला प्रशासन को दिया था और उस ज्ञापन में हम लोगों ने ये दर्शाया था कि अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सभी घंटाघर के मैदान में आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा पीड़ित पक्षों के प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद सभी लोग घंटाघर पर आमरण अनशन के लिए बैठ गए। थाने में भी कई बार सूचना दी गई लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली, जबकि हम लोगों की ये जमीन पूर्वजों के समय से आराजी रही है और पूर्वजों के समय से ही काश्तकारी करते आ रहे हैं और हम लोगों के लिए आराजी के बाबत समस्त न्यायालय में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। किसी भी न्यायालय द्वारा प्राधिकरणों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। वहीं उक्त जमीन पर फसल बोई गई थी कि दिनांक 11 सितंबर को विपक्षी गणों द्वारा हार्वेस्टर से फसल काट ली गई, जिसके बाद शिकायत भी की गई किंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। हम लोगों ने फसल काटने का विरोध तो उक्त दबंग लोग एकत्रित होकर हमारे घर आ गए और गाली गलौज मारपीट करते हुए घर के बाहर खड़ी लोडिंग टैक्सी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसकी सूचना हम लोगों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी, उस पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती तो हम यहीं आत्मदाह कर लेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है, जबकि भूमाफियाओं से संबंधित प्रकरण तेजी पकड़ रहे हैं। क्यों धरना दिए हो यहाँ पे? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश की जमीन पूरी हड़प ली गई है, मतलब घनश्याम दास और मोहनलाल गोपाल जयप्रकाश, इन लोगों ने हमारी जमीन हड़प ली गई है, मारपीट की गई है। हम थाने गए, कोई थाने कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो फिर हम एप्लीकेशन दे रहे, कप्तान साहब ने वहाँ कोई कप्तान साहब ने भेजी, कुछ नहीं निर्णय हुआ है। DM साहब के पास गए, वहाँ भी हमारी एप्लीकेशन रखी गई। एक साल से सर इतना परेशान चल रहा है, हम इतने परेशान, क्या था क्या करने के लिए तैयार थे। कई घंटा घर के पास बैठे हुए हैं, जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। कितनी बार आपने थाने में शिकायत की है? कम से कम 50 बार हमने थाने में शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं होती, नलका भगा देते हैं। कैसे लोग हैं ये जो आपकी जमीन पर कब्जा किया? आतंकी जैसे हैं वे, तो लगभग 50 आदमी हैं जब की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं सर। हमारी जो नाम है बिल्कुल नाम की ही जमीन पर कब्जा कर लिया, फसल भी काट ली गई। लड़का ने वहाँ कहा, लड़का भी मतलब लड़का को मारा, वो भाग के घर आया तो घर में जो फुल करी वो मिटा दिया, उसकी माँ को मारा, उस बहू को मारा, लड़का का हाथ भी तोड़ दिया। अगर मान लीजिए यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो उस प्रकरण में क्या करेंगे हम? सब यहीं आत्मदाह कर लेंगे सर, यहाँ जब उठेंगे जब हमारा कोई लेना नहीं होगा। से आए हो, क्या मामला है आपका, क्यों धरना दिए हैं यहाँ? हमारा नाम कैलाश है, पिता का नाम शिवलाल, हम ग्राम गोना के हैं। हमारी जमीन पर आदत कब्जा कर लिया है, हमारी फसल काट ली थी, हमारे भतीजे को मारा, हमारी बहू के लिए मारा है। तो हम थाने भी गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब एक साल से घूम रहे हैं हम DM के पास, SDM के पास, कई दरखास्त दे चुके, मुख्यमंत्री तक का हम कहा है, इसकी रजिस्ट्री कर चुके, लेकिन वहाँ से आती है यहाँ का पैसे लेकर कुछ नहीं होता है, कपूर लगा देते हैं। अब हमारे पास कोई भी एक भी एकड़ जमीन नहीं बची है, ना फसल बची है, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे हम क्या? अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या है आगे कदम? अब हम तो यहीं का घंटा घर के ऊपर कहा है, यहीं का मरेंगे, वो यहीं का बैठेंगे।